ग्वालियर में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 7 दिन के टोटल लॉकडाउन में भी लोग सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आए। पुलिस चेकिंग में पकड़े गए लोग दवा लेने या अस्पताल दिखाने जाने का बहाना करते नजर आए। ऐसे लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन के दर्ज मामले किए गए हैं, जबकि 150 से अधिक लोगों के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किए गए हैं। खुद एसपी नवनीत भसीन पुलिस की चेकिंग का मुआयना करने 2 घंटे से ज्यादा सड़कों पर रहे। ग्वालियर अंचल में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, कंप्लीट लॉकडाउन है और लोग ऐसे में भी तफरी करने से बाज नहीं आ रहे। माधवगंज में जटार साहब की गली में एक दुकान खुले होने की सूचना एसपी नवनीत भसीन को पुलिस हेल्पलाइन पर मिली थी। पुलिस पहुंची तो दुकान संचालक संतोष विश्वकर्मा दुकान खोलकर पुड़िया, सिगरेट व अन्य सामान बेचता हुआ पाया गया। दुकान पर काफी भीड़ लगी हुई थी, जिसके खिलाफ तत्काल दुकान बंद कराकर मामला दर्ज किया गया। बहुड़ापुर में आनंद नगर में किराना दुकान खुले होने की सूचना भी एसपी ग्वालियर को हेल्पलाइन पर मिली थी। जब पुलिस पहुंची तो रविंद्र पाल नामक व्यवसायी किराना दुकान का शटर खोलकर बैठा था। यहां भी पुलिस ने दुकान पर ताला डालकर संचालक रविंद्र पाल पर मामला दर्ज किया है। 7 दिन के टोटल लॉकडाउन में पुलिस ने 25 से अधिक पॉइंट पर चेकिंग शुरू की। इसके बाद सड़क पर बिना कारण निकलने वालों की खैर खबर ली गई। पहले दिन ही पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की है। ग्वालियर में बढ़ते हुए कोरोना को प्रकोप को देखते हुए 7 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। वक्त के संदर्भ में आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं। फल, सब्जी, किराना इत्यादि के खोलने के संबंध में जो है पृथक से आदेश जारी किए जा रहे हैं कि उनको किस पैटर्न पर खोला जाएगा और सब्जी किन किन स्थानों पर मिलेगी, फल किन किन स्थानों पर मिलेगा, होम डिलीवरी किस तरीके से की जाएगी, उसके पृथक से आदेश जारी किए जा रहे हैं। हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि वो लोग घर पर रहें और संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद करें। अगर हम लोग इसको तोड़ने में शीघ्र सफल हो गए तो 7 दिन से पहले भी इसमें ढील या इसको हटाने पर विचार किया जा सकता है। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि वो घर के भीतर ही रहें, घर के बाहर जब तक आवश्यक कार्य ना हो तब तक ना निकले, कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।